हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी संस्कृत मैम रेनु मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला, भाग दो, अष्टम पाठ, यात्रा साधनानी, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैसे कैसे आप यात्रा करते हो, किस किस चीज़ से करते हो, उनके बारे में आप जानते हैं। पता है आपको, लेकिन फिर भी आपको जानना है कि आप कैसे यात्रा करते हो, पहले समय में कैसे यात्रा की जाती थी, और आज हमारे यात्रा के साधन कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और हम कैसे उनसे यात्रा करते हैं। आइए जानते हैं। देखो, कितने सारे यात्रा के साधन आज मौजूद हैं, पुराने भी हैं और आज भी हैं। प्राचीन काले मनुष्य पादाभ्याम दूरस्थेषु गच्छति स्म। प्राचीन समय में मनुष्य पैरों से बहुत दूर तक चले जाते थे। एवं सह श्राम्यति स्म कष्टम च अनुभवति स्म। इससे क्या होता था, वो बहुत थक जाते थे और कष्ट का अनुभव करते थे, क्योंकि जब पैदल चलते थे तो वो थक जाते थे, क्योंकि यात्रा के कोई साधन ज़्यादा नहीं होते थे। जना प्राचीन काले रथई शकटई अश्वई गर्दभई गजई उष्ट्रई च दूराणी स्थानानि गच्छन्ति स्म। लोग क्या करते थे प्राचीन समय में, रथों से, बैलगाड़ियों से, घोड़ों से, गधों से, हाथियों से और ऊँटों से दूर की जगह पर जाते थे। तस्मिन काले मनुष्या नौका भी नद्य अपि तरन्ति स्म। उस समय में लोग नावों से भी नदी पार करते थे। परम अस्मिन समय यात्राया नवीनानि साधनानि सन्ति। परंतु अब इस समय में यात्रा के बहुत सारे साधन हो गए हैं। एतेषु वाष्पयानम, वायुयानम, मोटरयानम इत्यादीनि साधनानि उपलब्धानि सन्ति। इनमें भाप के, वाष्प के यान, भाप से बने हुए यानी कि ट्रेन, और वायुयान, मोटर गाड़ी और इत्यादि बहुत सारे साधन ऐसे बन गए हैं जिससे कि यात्रा हो जाती है। एतै जना शीघ्रातिशीघ्रम दूराणि स्थानानि गच्छन्ति। इन साधनों से क्या होता है, लोग दूर से दूर गए हुए जगह पर भी आसानी से पहुंच जाते हैं। अधुना यात्रा जनेभ्य किमपि कष्टम न ददाति। आजकल जो यात्राएं हो गई हैं उनमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है। जना यथा ग्रहे भोजनम विश्रामम या शयनम च कुर्वन्ति, तथैव जलपोते वाष्पयाने वायुयाने च कुर्वन्ति। जैसे लोग घर में भोजन करते हैं, आराम करते हैं और सोते हैं, वैसे ही लोग जल से यानी कि पानी के जहाज में या हवाई जहाज में वैसे ही सोते हैं, वैसे ही खाते हैं और वैसे ही आराम करते हैं। यत्र वाष्पयानम न गच्छन्ति तत्र जना मोटरयानेन यात्रां कुर्वन्ति। जब जहाँ लोग भाप से बने हुए यान से यानी कि वाहन से नहीं जाते हैं, वहाँ लोग मोटर गाड़ी से चले जाते हैं। मरुस्थले प्रदेशे उष्ट्र एव यात्राया साधनम अस्थिति अस्ति। यानी कि जो मरुस्थल यानी रेगिस्तान जो होता है, वहाँ पर लोग ऊँट से यात्रा करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रे जना अश्वई इतस्ततः गच्छन्ति। जो पहाड़ी जगह होती है वहाँ पर लोग किससे जाते हैं, वहाँ पर लोग घोड़ों से यात्रा करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे पहाड़ों पर जब लोग जाते हैं, कितनी जगह पर पहाड़ी यात्रा में घोड़ों से यात्रा करते हैं। इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि आजकल हमारे पास यातायात के कितने साधन हो गए हैं। पहले ज़माने में तो केवल बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रथ हैं, रथ तो बहुत ही कम होते थे, या फिर ऊँट से, इन्हीं से ही, खच्चर से, इन्हीं से यात्रा करते थे। आज के समय नौका से यात्रा करते थे। आज तो वाष्पयान, रेल है, मोटर गाड़ी है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, कितने सारे साधन बन गए हैं और बहुत जल्दी यात्रा हो जाती है, और यात्रा थकान भरी भी नहीं होती है, थकान भी नहीं होती यात्रा से। तो पाठ में आए हुए बच्चों कुछ पाठ के कठिन शब्द हैं, उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। शकटम, शकटम क्या होती है, गाड़ी। वाष्पयानम क्या होता है, रेलगाड़ी। वायुयान, हवाई जहाज। जलपोत क्या होता है, ये होता है पानी का जहाज। मरुस्थल, रेगिस्तान।
और तरंती माने पार करते हैं, और कष्टम दुख, विश्राम माने क्या होता है आराम, शयनम क्या होता है सोना, यात्रा क्या होता है यात्रा के यात्रा में यात्रा, या अधुना माने इस समय। तो पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ के बारे में आपने जाना। अब हम पाठ में आए हुए बच्चों कुछ अभ्यास हैं, प्रश्न उत्तर हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, प्राचीन काले जना किमर्थम कष्टम अनुभवन्ति। इसमें प्राचीन काल में लोग कष्ट कैसे अनुभव करते थे, क्योंकि वो यात्रा कैसे करते थे, पैरों से यात्रा करते थे, इसलिए वो थक जाते थे और कष्ट का अनुभव करते थे। तो प्राचीन काले जना पादाभ्याम यात्रा कुर्वन्ती ते कष्टम अनुभवन्ति स्म। ठीक है। दूसरा है, तस्मिन काले जना कई साधने यात्रां कुर्वन्ति। उस समय में लोग किन साधनों से यात्रा करते थे। तस्मिन काले जना शकटई अश्वई पादाभ्याम गर्दभई उष्ट्रई यात्रां कुर्वन्ति स्म। पैदल करते थे या गधों से और नाव से बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे। अधुना कानी नवीनानी साधनानि सन्ति। आज कौन कौन से नवीन साधन हैं। अधुना वाष्पयान क्या होता है, रेलगाड़ी, मोटरयान, वायुयान, अनेकानि नवीनानि साधनानि सन्ति। आज तो बहुत सारे साधन हैं, मोटरयान है, वाष्पयान है, जलयान है, वायुयान है, अनेक साधन है जिनसे हम यात्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे प्राचीन काले जना डैश दूराणी स्थानी गच्छन्ति में शकटेन, अधुना यात्रा जनेभ्य किमपि कष्टम न ददाति। मरुस्थल प्रदेशे उष्ट्र एव यात्राया साधनम अस्ति। डैश जना डैश इतस्ततो गच्छन्ति। पर्वतीय क्षेत्रे जना अश्वई इतस्ततो गच्छन्ति। पर्वतीय क्षेत्र में लोग घोड़ों से इधर उधर जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 है बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। हमें विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला है हमारा, प्राचीन काले मनुष्य दूरस्थेषु स्थानेषु गच्छति स्म। कैसे, नौकाभ्याम या पादाभ्याम या रथई। प्राचीन काल में मनुष्य दूर के स्थानों में जाता था, किससे जाता था, पादाभ्याम। दूसरा है हमारा, प्राचीन काले जना दूराणी स्थानानि गच्छन्ति। से प्राचीन काल में लोग दूर की जगह पर किससे जाते थे, अश्वई या वायुयानम या मोटरयानम। प्राचीन काल में लोग दूर कहाँ किस जगह से जाते थे, कैसे जाते थे, प्राचीन काल में जो ना वायुयान होते थे
और ना ही मोटरयान होते थे, तो वो अश्वई घोड़ों से जाते थे। मरुस्थल प्रदेश यात्राया साधनमस्ति गर्द भई शकटई या उष्ट्र। मरुस्थल में क्या साधन है? उष्ट्र। ऊँट से जाते हैं मरुस्थल में लोग, जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ ऊँट से। देखा होगा आपने कि जब राजस्थान वगैरह में हम जाते हैं तो ऊँट से वहाँ पर यात्रा होती है। एक्सरसाइज नंबर 4 बच्चों, निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। अनेन यह नपुंसक लिंग और बहुवचन प्रथमा विभक्ति। जन जनेभ्य पुल्लिंग बहुवचन और चतुर्थी विभक्ति। यात्राया स्त्रीलिंग एक वचन पंचमी विभक्ति। और एतही पुल्लिंग बहुवचन तृतीय विभक्ति। एक्सरसाइज नंबर 5 संधि विच्छेद करने हैं। पहला हमारा संधि विच्छेद है प्राचीन काले, प्राचीन प्लस काले। फिर है वाष्पयान, वाष्प प्लस यान। नेक्स्ट है हमारा वायुयान, वायु प्लस यान। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय प्लस क्षेत्र। मोटरयान, मोटर प्लस यान। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना, वाक्य बनाने हैं हमें एक्सरसाइज नंबर 6। शाम्यति पथिक, श्राम्यति तरंती, नद्या बालका, तरंती ददाति, गावह दुग्धम ददाति, अश्वई प्राचीन काले अश्वई यात्रां कुर्वन्ति स्म। नाउ एक्टिविटी, हमारी बच्चों ये आपका होमवर्क है जिसको आपको एक्टिविटी में करना है। यहाँ आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से आप उचित वाक्य लिखकर आप अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। वाक्य अपने अध्यापक और अपने अध्यापिका को दिखाइए। कार्य बहुत सुंदर होना चाहिए। तो बच्चों आपने जाना यात्रा के साधनों के बारे में कि हमारे आज कितने साधन बढ़ गए हैं और प्राचीन समय में क्या साधन थे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।